नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। महाराष्ट्र के पालघर में आज यानी गुरुवार सुबह 11:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की 3.7 तीव्रता रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। अभी तक इस भूकंप से कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। विभागीय चेतावनी में कहा गया है कि हिमालयन हलचल के कारण पूर्वोत्तर सहित देश के कई भागों में झटके आ रहे हैं। इससे पहले 20 जून को दिल्ली में हल्का भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 2.1 थी। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे खुफिया एजेंसी ISI के मुख्यालय पहुंचे। वहां सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा व एजेंसी के शीर्ष अफसरों की बैठक हुई। एक माह में इमरान का ISI मुख्यालय का यह दूसरा दौरा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर लगातार नजर रख रहा है और उकसावे पर जोर दे रहा है ताकि घाटी में अस्थिरता बनी रहे। बिहार के दो शहर मुजफ्फरपुर और पटना में धनकुबेर जिला परिवहन पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। DTO राजेश लाल के खिलाफ निगरानी विभाग में मामला दर्ज है। छापेमारी में प्रारंभिक तौर पर निगरानी टीम को 50 लाख कैश के अलावा लॉकर और दूसरी चीजें मिली है जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। दरअसल DTO कार्यालय से पिछले दिनों फर्जी के रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। गाड़ियों की खरीद बिक्री में भी धांधली की प्रक्रिया का खुलासा हुआ है। COVID-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मचारियों के ट्रांसफर पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है। रेल बोर्ड के आदेश के अनुसार आगामी 30 सितंबर तक रेलवे कर्मचारियों के सभी तरह के तबादलों पर रोक रहेगी। जिन रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफर पहले किया गया है वो अपने पुराने पोस्टिंग स्थल पर ही काम करते रहेंगे। ये रोक रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से उबर चुके लोगों को कोविडशील्ड का दूसरा डोज लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बात का खुलासा ICMR नॉर्थ ईस्ट और असम मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी में हुआ है। स्टडी से पता चला है कि पहले संक्रमित हो चुके लोगों में वैक्सीन का एक डोज भी पर्याप्त इम्यून प्रतिक्रिया तैयार करने में सक्षम है। जानकारों ने अनुमान लगाया है कि इससे देश में वैक्सीन की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। स्टडी में कुल 121 लोग शामिल थे। बिहार में कोरोना महामारी से संबंधित मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बिहटा के ESIC मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संबंध में विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। ESIC ने कोर्ट को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने पर सेना की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि अभी इस अस्पताल का संचालन आर्मी और राज्य सरकार के सहयोग से ESIC मेडिकल कॉलेज व अस्पताल द्वारा किया जा रहा है, तो क्या वह स्वतंत्र व्यवस्था संभाल सकती है? अगली सुनवाई 30 जून को होगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में सामरिक महत्व की एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। अमेरिकी नौसेना के साथ बड़े स्तर का युद्धाभ्यास बुधवार से शुरू हुआ है जिसका आज आखिरी दिन है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि इस 2 दिवसीय अभ्यास का लक्ष्य द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को और मजबूत करना है। जारी वीडियो में कॉकपिट से फ्लाई पास्ट का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। नवी मुंबई में एयरपोर्ट के नाम को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। यहाँ के स्थानीय लोग और BJP चाहती है कि एयरपोर्ट का नाम दिवंगत कार्यकर्ता DB पाटिल के नाम पर रखा जाए, लेकिन शिवसेना हवाई अड्डे का नाम पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर रखना चाहती है। गुरुवार को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। ये सब बेलापुर के नवी मुंबई महानगर पालिका कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर एयरपोर्ट को दिनकर बालू एयरपोर्ट नाम देने की मांग करने लगे। अपने विवादित बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक भाषण में कहा कि जो लोग वैक्सीनेशन के इच्छुक नहीं हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है तो वो भारत या अमेरिका जा सकता है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय देश एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। देश में राष्ट्रीय आपातकाल है, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। आपराधिक मानहानि के एक मुकदमे में गुरुवार को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराते हुए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस सांसद ने कोर्ट से कहा कि मेरा इरादा किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं था, मैं सिर्फ चुनाव के दौरान व्यंग कस रहा था। इसके बारे में अब बहुत कुछ याद भी नहीं है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।